आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीराम जन्मोत्सव समिति ने अपनी सहभागिता देते हुए हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। समिति के संरक्षक प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में कैंप क्षेत्र में पद यात्रा के माध्यम से लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें आम नागरिकों से अपने घरों में तिरंगा फहराकर सक्रिय सहभागिता देने की अपील की गई है। इसी कड़ी में श्रीराम जन्मोत्सव समिति के संरक्षक पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में पोटी श्री रामलू चौक से सर्कुलर मार्केट तक पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में वैशाली नगर के विधायक विद्यारतन भसीन भी शामिल हुए। पदयात्रा ने समूचे बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया, साथ ही सभी नागरिकों से महोत्सव से जुड़ने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की गई। प्रेम प्रकाश पांडे ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस तिरंगे के आन बान पान के लिए यह जागरण यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर पूरे भिलाई में निकली है। कैंप में माननीय विधायक विद्यारतन भसीन जी के नेतृत्व में यह यात्रा कैंपन से निकल करके और सर्कुलर मार्केट तक जाएगी। आप सबसे यह अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, आने वाले समय में इस वर्ष की आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप अपने घर पर तिरंगा अवश्य फहराएं। साथ ही साथ जो लोग सक्षम हैं वे लोग अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी तिरंगा दे करके उनके घरों पर तिरंगा फहराने में मदद करें। यह देश की आन बान शान का एक आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, उसमें सबकी सहभागिता हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश का प्रत्येक नागरिक अपने घर पर, कार्यालय पर, अपने तमाम सबसे ऊंचा जो स्थान है उस ऊंचे स्थान पर इस तिरंगे को फहराए। यही निवेदन करने आप सबके बीच में आए। बोलो भारत माता की। बहरहाल इस अवसर पर समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे सहित समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अन्य लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।